प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर पहले काफी सारे वीडियो बनाकर रखे हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो या फिर ये वाला वीडियो। और ये वीडियो एक तरह से प्रिंट ऑन डिमांड का एक मिनी कोर्स है। प्रिंट ऑन डिमांड के बेसिक से लेकर सही जानकारी इसके अंदर मिल जाती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सभी वीडियो के अंदर एक चीज की कमी है। वो कमी क्या है? देखिये, कोई भी प्रोडक्ट को अगर हमको इंडिया के अंदर बेचना है तो उसकी ऑब्वियसली प्राइस कम होनी चाहिए। इंडिया के अंदर अगर कोई प्रिंट ऑन डिमांड से हमको टी शर्ट सेल करना है, टॉप, मोबाइल कवर, कुछ भी XYZ कुछ भी पीओडी से हमको सेल करना है, तो उसकी प्राइसिंग कम होनी चाहिए। 400-500 रुपए के अंदर वो चीज अगर आ जाती है तो कस्टमर उसे बाय कर लेता है इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे 1000-2000 की प्राइस जाएगी तो कोई बाय नहीं करने वाला। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया के ही है और आप उनके प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर ही सेल कर सकते हो। पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे छोटे से छोटे गांव के अंदर आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। आपको सेम प्रोसेस करना है, वहां पे जाना है, डिजाइन प्लेस करनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसे सेल करना है और वहां से आपकी कमाई करनी है। अब तक जितने वीडियो बनाए हैं मैंने, उसके अंदर आपको इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं बताया। जो मैंने पहले वीडियो में प्लेटफॉर्म बताया है वहां से आप इंडिया के अंदर सेल कर सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत सिर्फ है प्राइसिंग की। इंडिया के अंदर आप 3000 की चीज बेचोगे कोई नहीं लगा और लेने वाले बहुत ही कम होंगे, लेकिन उसमें अगर आपको उसी चीज को आप 300-400 में बेचते हो या 500-600 में बेचते हो तो इंडिया में बहुत सारे लोग ले लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इंडियन प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे जो कि आपको ऑल इंडिया सर्विस दे, अच्छी खासी प्रिंटिंग सर्विस दे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो मैंने ऐसे आपके लिए 10 प्लेटफॉर्म ला के रखे हुए हैं। मैं आपको जो 10 प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ उसमें से एक प्लेटफॉर्म जो है वो मैं यूज करता हूँ और वो सबसे प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है। वहां से आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं, पैसा आपका कम खर्च होगा, प्रॉफिट मार्जिन आपको ज्यादा होगा। अगर आपको इंस्टाग्राम चलाने आता है तो उस प्लेटफॉर्म को आप इजीली यूज कर सकते हो। वहां पे ना आपको GST नंबर देना है ना कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन देनी है, डायरेक्टली पैसा UPI आपके अकाउंट पे आ जाता है। तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है और मैं बताऊंगा भी सही ये प्लेटफॉर्म कौन सा है। 200 प्लेटफॉर्म के अंदर क्या कमीशन होगा, कितना का आपको बेस प्राइस मिलने वाली है, कितने दिन में डिलीवरी होगी, किस तरह की प्रिंटिंग करेंगे वो, कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, सब कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पहले देखना, स्किप मत करना क्योंकि वीडियो आपके ही काम का है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। लेकिन अगर आपका टारगेट इंडियन ऑडियंस नहीं है इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। नंबर फर्स्ट पे मैंने जो प्लेटफॉर्म का नाम रखा है वो है Pinterest, ठीक है। अब इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो बेस प्राइस मिलने वाली है आपको किसी भी प्रोडक्ट की वो 800 से लेके 252 रुपए की होने वाली है। इसके अंदर जो ब्लैंक टी शर्ट का प्राइस है वो मिनिमम 165 रुपए पड़ने वाली है। प्रिंटिंग रेंज जो है वो 80 रुपए से लेके 252 रुपए तक की होती है और शिपिंग कॉस्ट इसमें अलग से देनी पड़ती है, वो है 60 रुपए। ये जो पे करेगा वो कस्टमर पे करेगा। तो यहाँ पे सब कुछ मिला के आपकी फाइनल प्राइस जो पड़ती है वो 320 रुपए के आसपास पड़ती है मिनिमम, और मैक्सिमम 500 रुपए के आसपास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टी शर्ट आपको 400 में पड़ता है अगर एवरेज निकाले तो, उसे आप 600 में बेच सकते हो तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, 550 में बेचते हो तो 150 का प्रॉफिट होगा, डिपेंड करता है कितनी सेल आप जनरेट करते हो। प्रिंटिंग कॉस्ट कैसे आती है इसमें, 1.5 रुपया पर स्क्वायर इंच के ऊपर आता है विद मिनिमम प्रिंटिंग चार्ज 120 रुपए के आसपास, 0.8 पर स्क्वायर इंच फॉर व्हाइट गार्मेंट्स। अगर व्हाइट टी शर्ट है इस तरह का तो वहाँ पे आपको पड़ने वाले 0.8 रुपीज, लेकिन अगर कलर टी शर्ट है तो उस पर पड़ेगा आपको 1.5 रुपया। और सब कुछ मिला के इसके ऊपर ध्यान देते हुए जो आपकी प्राइस जो पड़ने वाली है वो 320 से लेके 500 के बीच पड़ने वाली है, डिपेंड करता है आप किस तरह की चीज को बनाते हो। यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन कौन कौन से हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग, DTG प्रिंटिंग एंड सब डिलीवरी होगी ऑल ओवर इंडिया, प्राइस जो है वो 60 रुपए फिक्स होगी। इसका एक यूनिक फीचर है, वो यूनिक फीचर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसे Amazon से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिस्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिक आप Amazon पे दिखा सकते हो और उस प्रोडक्ट को आप Amazon पे सेल कर सकते हो। मतलब कि एक तीर से दो निशान होंगे, आपको बनी बनाई ऑडियंस का मिलेगी Amazon के ऊपर, वहां पे जाके आपको सिर्फ SEO के ऊपर काम करना है। आप चाहे तो एड रन कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ SEO के ऊपर काम करते हो तो भी आपके प्रोडक्ट Amazon पे सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक प्रोडक्ट भी अगर आपका ऊपर आ गया तो आपकी दिन की 200-300 से कोई नहीं रो सकता Amazon के ऊपर। तो ये इस प्लेटफॉर्म का एक यूनिक फीचर है, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है QI किंग, पता नहीं कैसा नाम रखा है, नाम याद है ऐसा नहीं है। अगर आप आपके कुछ ब्रांड का नाम रखते हो तो नाम ऐसा रखना जो फट से याद हो जाए। ब्लैंक टी शर्ट की प्राइस पहले वाले प्लेटफॉर्म से बहुत कम है, वहाँ पे 165 थी, यहाँ पे आपको 150 रुपए मिल जाएगा। प्रिंटिंग कॉस्ट 50 रुपए से लेके 375 रुपए तक आएगी, 5% का GST लगेगा, शिपिंग चार्ज यहाँ भी फिक्स है 60 रुपए के आसपास। टोटल अगर आप देखो तो आपको एक प्रोडक्ट 210 रुपए मिनिमम में और मैक्सिमम 616 रुपए तक पड़ने वाला है, डिपेंड करता है कौन सा कॉस्ट है, कैसी प्रिंटिंग है, सब कुछ मिलाकर। प्रिंटिंग कॉस्ट 0.5 पैसा स्क्वायर इंच के ऊपर आने वाला है अगर ये व्हाइट कलर टी शर्ट है तो, लेकिन अगर कलर टी शर्ट है तो यहाँ भी सेम है, 1.5 रुपया स्क्वायर इंच का पड़ने वाला है आपको। प्रिंटिंग ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन सा है, DTG प्रिंटिंग, सबमिलेशन प्रिंटिंग, ग्लो इन डार्क और विनाइल प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्रिंटिंग के ऑप्शन क्या है, इनका मतलब क्या होता है, किस तरह की प्रिंटिंग में इसको फायदा होता है, आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। इसमें भी डिलीवरी चार्ज 60 रुपए पड़ने वाला है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। यूनिक फीचर इसका क्या है कि दे आर प्रोवाइडिंग ग्लो इन डार्क प्रिंटिंग। तो ये सेकंड प्लेटफॉर्म था, तो ये सेकंड इंडियन प्लेटफॉर्म है QI किंग, इसे आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर थर्ड इंडियन प्लेटफॉर्म पे रखा है मैंने वेंडर बोट। इसके फीचर्स क्या है, ब्लैंक टी शर्ट यहाँ पे आपको पड़ता है 175 रुपीज का, प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ पे 72 रुपए से लेके मैक्सिमम 300 रुपए तक आती है, GST 5% लगने वाला है,
शिपिंग कॉस्ट है वो 60 रुपीज आने वाली है। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो कम से कम प्रोडक्ट जो है वो 257 रुपए का मिलता है और मैक्सिमम आपको 547 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने वाला है। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो 0.8 स्क्वायर इंच का पैसा आपको मिलेगा व्हाइट कलर टी शर्ट के अंदर, 1.18 रुपीज स्क्वायर इंच पैसा आपको देना पड़ेगा कलर टी शर्ट के अंदर। अगर प्रिंटिंग ऑप्शन का देखा जाए तो आप डीटीजी प्रिंटिंग देकर रखा हुआ है। डिलीवरी चार्जेस जो है वो 60 रुपीज हो गए ऑल ओवर इंडिया। यूनिक फीचर क्या है, दे हैव एन ऑप्शन फॉर ऑल आवर प्रिंटिंग। अगर आपको इसकी प्राइसिंग सही लगती है तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो आता है 4th नंबर पे रखा है मैंने वो ई प्रिंट केयर। बात करते हैं इसके फीचर्स की, ब्लैंक टी शर्ट सबसे सस्ता मिल रहा है यहाँ पे 145 रुपीज का। प्रिंटिंग जो है वो मिनिमम 95 रुपीज से लेके मैक्सिमम 385 रुपीज की आती है, 5% लगता है GST। शिपिंग कॉस्ट कम है यहाँ पे, 50 रुपए शिपिंग कॉस्ट लगने वाली है। टोटल की बात करें तो 190 रुपए का एक प्रोडक्ट पड़ेगा मिनिमम प्राइस में और मैक्सिमम जाएगा ये 580 रुपए के आसपास। प्रिंटिंग कॉस्ट 0.7 स्क्वायर इंच की आएगी यहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर और 1.35 रुपीज जो है वो स्क्वायर इंच में आएगा कलर टी शर्ट के अंदर। यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन एक ही है वो है नीटीजी प्रिंटिंग। इसका यूनिक फीचर यही है कि इसके डिलीवरी चार्ज जो है वो थोड़ा कम है। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तो वो है ऑल प्रिंट्स। इसका नाम शायद आपने सुनकर रखा होगा। इसके फीचर्स है ब्लैंक टी शर्ट पड़ेगा आपको 140 से लेके 150 रुपीज। प्रिंटिंग कॉस्ट 80 रुपए से लेके आएगी 375 रुपए। GST लगेगा 5%। शिपिंग इसमें भी 50 रुपए के आसपास ही है। टोटल यहाँ पे बैठेगा आपको 290 मिनिमम और 585 मैक्सिमम। प्रिंटिंग ऑप्शन यहाँ पे एक ही है वो है DTG, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी, इसकी श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। तो इसी प्लेटफॉर्म को मेरे हिसाब से आपको स्किप कर देना चाहिए। इसका यूनिक फीचर क्या है कि इसके अंदर ट्रेंडी ओवर साइज टी शर्ट है। इसमें कुछ नया नहीं है, आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म के ऊपर ओवर साइज टी शर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म मैं खुद आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म का नाम है बबल शेड, 6th नंबर पे आता है। यहाँ पे टी शर्ट की जो प्राइस है वो पड़ने वाली आपको 400 रुपए के आसपास। प्रिंटिंग जो है वो 50 रुपए से लेके 100 रुपए के पड़ने वाली है। शिपिंग चार्ज 50 रुपए से लेके 70 रुपए तक पड़ने वाले हैं। अब जो शिपिंग चार्ज है डिपेंड करता है कौन से लोकेशन के ऊपर आपकी डिलीवरी जारी है। और प्रिंटिंग ऑप्शन कुछ देखे नहीं रखा हुआ है इसके ऊपर, पता नहीं किस तरह की प्रिंटिंग करते हैं और ना इन्फॉर्मेशन इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और इस प्लेटफॉर्म का कुछ अलग से USP भी नहीं है, तो इसको भी चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है टी शर्ट लूट। इसके अंदर मेन चीज क्या है बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट के अंदर ही फोकस्ड है। मतलब कि यहाँ पे आपको काम अच्छा मिलता है क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इनका फोकस है, सिर्फ टी शर्ट। बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 100+ कैटेगरी, 30+ कैटेगरी, 50+ कैटेगरी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट के ऊपर इनका फोकस है। ब्लैंक टी शर्ट पड़ता है यहाँ पे आपको 145 रुपए के अंदर। प्रिंटिंग कॉस्ट 30 रुपए एवरी कलर, बहुत ही कम है यहाँ पे। मतलब कि एक टी शर्ट में अगर दो कलर यूज करते हो तो 60 रुपीज होंगे। एक कलर यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर सिर्फ ब्लैक प्रिंटिंग आ रही है तो आपको 30 रुपए में काम हो जाएगा, सस्ता है। शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे बता के रखी है, हिडन होती है वो, डिपेंड ऑन एरिया। प्रिंटिंग ऑप्शन जो है यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। यहाँ पे आपको टी शर्ट जो है सिर्फ आपका फोकस टी शर्ट के ऊपर है, आपको टी शर्ट ही सेल करना है, टी शर्ट के ऊपर डिजाइनिंग करनी है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है 8th नंबर पे, वो है प्रिंट वियर। इसके ऊपर जाएंगे, ब्लैंक टी शर्ट पड़ता है आपको 145 रुपीज का। प्रिंटिंग चार्ज जो है वो 60 रुपए से लेकर 330 रुपए तक आते हैं। GST 5%, शिपिंग कुछ देखे नहीं रखा हुआ है। टोटल आपको पड़ेगा 550 रुपए के आसपास। प्रिंटिंग कॉस्ट अननोन है, प्रिंटिंग ऑप्शन अननोन है, डिलीवरी चार्ज अननोन है, सब कुछ यहाँ पे अननोन है, कुछ भी इन्होंने क्लेरिफाई करके नहीं रखा हुआ है। हो सकता है अगर आप इसके एयर रन करते हो तो आपको कुछ नुकसान सहना पड़ सकता है, तो इसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है 9th नंबर पे, उसका नाम है गेलाटो इंडिया। इसके ऊपर आपको इस टी शर्ट की स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 800 रुपए के पड़ने वाली है। GST अननोन, प्रिंटिंग अननोन, शिपिंग यहाँ पे 185 कंट्री के अंदर करते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मल्टीपल कंट्री के अंदर सेल कर पाएंगे। शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है इसके आपको रिटर्न में जानकारी चाहिए तो आपको जो सेल्स टीम है से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। प्रिंटिंग ऑप्शन कौन कौन से यहाँ पे, DTG ऑल ओवर प्रिंट, DTF स्क्रीन प्रिंटिंग, उसके बाद डिलीवरी चार्ज जो है वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली लोकेशन के ऊपर, क्योंकि 185 कंट्री के अंदर डिलीवर कर रहा है तो अलग अलग ऑप्शन होंगे इनके पास। जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने बताया है ना, इन सभी के ऊपर सिर्फ टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट तो एक बेस प्राइस बताइए, एक प्रोडक्ट की बेस प्राइस ही होती है, इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ टी शर्ट सजेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर 100+, 80+, 70+, 60+ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं 10th प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उसका नाम है ब्लिंक स्टोर। ब्लिंक स्टोर के अंदर ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैंने काम शुरू किया है, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको GST नंबर नहीं देना है, यहाँ पर आपको कोई अदर डिटेल नहीं देनी होती है। इसके साथ ही टी शर्ट की जो कॉस्ट है ये आपको पड़ती है 399 रुपए के आसपास, और इसे आप 450 रुपए में सेल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 150 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप उस टी शर्ट को 600 रुपए में सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होगा वो आप देख सकते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो बेस प्राइस के अंदर ही आता है, मतलब कि आपको प्रिंटिंग कॉस्ट का यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ। प्रिंटिंग ऑप्शन क्या है, यहाँ पे दे आर ऑफरिंग DTG, DTF और सबमिलेशन, ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे। डिलीवरी चार्ज जो है वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देना नहीं पड़ता, जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ही इंक्लूड होता है यहाँ पे डिलीवरी चार्ज जो है।
तो यहाँ पे आपकी ये प्राइस जो है वो भी बच जाती है। इसके साथ ही इसका एक और यूनिक फीचर यह है कि आपको इसकी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वो अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये प्लेटफॉर्म ही आपको फ्री में एक वेबसाइट क्रिएट करने की सर्विस दे देता है। हाँ, अगर आपको आपका डोमेन अटैच करना है तो उसके लिए आपको अलग से बाय करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको आपका डोमेन अटैच नहीं करना तो खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर आप बिल्ड कर पाएंगे कम्प्लीटली फ्री में इस प्लेटफॉर्म के साथ ही, एक रुपया आपको खर्च नहीं करना है। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया है। और मेन चीज ये है कि यहाँ पे आप प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 200-250-300 रुपए तक इजीली रख सकते हो। अगर आप एड रन करते हो तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है तो यहाँ पे 5,000 रुपए मिनिमम लगते हैं, अगर आप शॉपिफाई के ऊपर जाते हैं तो जो शॉपिफाई का वो खर्चा बच जाता है ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करने का। वैसे मेरे अकाउंट प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल के ऊपर ऑलरेडी है ही सही, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए हैं। इसके अलावा आपको प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ जानकारी चाहिए, एक मिनी कोर्स बना के रखा हुआ है, वो वीडियो आपको यहाँ दिख रहा है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। या फिर आपको इंडिया के अंदर बैठे बैठे इंडिया के बाहर प्रोडक्ट को सेल करना है, इन्वेस्ट आपको एक रुपया नहीं करना है, और ये चीज आप कर सकते हो प्रिंटफुल के थ्रू विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, डॉलर के अंदर पैसे कमा सकते हो, वो वीडियो आपको यहाँ दिख रहा है, ये भी एक प्योरली प्लेटफॉर्म है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस के ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय।